है गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का क्लास अनुपात समानुपात का दिन तीसरा है और उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको अनुपात समानुपात के वे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपको टफ लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43, और ये जो भी टाइप है टाइप थोड़ा देख लीजिएगा, और ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन नंबर जो है, यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग वर्ग जो है वो बोल रहा है उनके गुणनफल, उनके गुणनफल मतलब एक्स वाई के गुणनफल का क्या है, चार गुना है। तो बोल रहा है उन संख्याओं का अनुपात कितना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और इस तरफ हो जाएगा फोर एक्स वाई। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जैसे ही लाइएगा इसको तो हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई और बराबर हो जाएगा जीरो। हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा जीरो। इसका मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स बराबर वाई, और जब एक्स बराबर वाई होता है तो एक्स और वाई का अनुपात हमेशा कितना होगा, एक अनुपात एक। तो आप देखते ही क्वेश्चन, ऐसे देखिए क्वेश्चन को देखते ही आप बना सकते थे। तो क्वेश्चन को देखना है, समझना है, तुरंत आंसर धड़ाधड़ करना है, और इसका आंसर हो जाएगा एक अनुपात एक। तो कैसा लगा दोस्त, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 भी बहुत ही आसान है। देखिए इसका और भी बहुत सारा मेथड हो सकता है, तो ध्यान दे दीजिएगा। और एक चीज फिर मैं बोलूंगा कि जिस चीज को आप समझ नहीं पाते हो, आप को दिक्कत लगता है मैथ में, वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं 45, दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो संख्या ले लीजिए एक्स और वाई, और उसका योगफल जो है उनके अंतर का अनुपात, उसका अंतर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और उसके अंतर का अनुपात कितना है, पांच अनुपात एक, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं, अगर देखिए चाहे तो आप बहुत सारा मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये चीज, बोलता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट m1 में लगा सकते हैं। m1 का मतलब आप अगर यहाँ रख देंगे तीन और यहाँ रख देंगे दो, तो ये समीकरण को फुलफिल कर लेता है। तो यह कह सकते हैं कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, आपका तीन हो जाएगा, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यही पूछ रहा था आपका क्वेश्चन। अगर चाहे तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते, लेकिन दूसरा अगर मेथड अगर चाहे तो आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्रॉस करिएगा, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और उधर हो जाएगा पांच एक्स माइनस पांच वाई। और वही विद्यार्थी ये सब चीज समझ सकता है जो कि जिसका बेसिक क्लियर हुआ होगा, बेसिक क्लियर होगा। और वो भी देखिए मैं अभी शुरू शुरू में बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो एस डी यादव का है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि मैं टफ से टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो पहले क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इससे फायदा उठा पा रहे हैं। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा और वीडियो को देखने में मजा आएगा तो मैं अलग अलग टाइप का नेक्स्ट, मतलब खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस आपको सावधानी पूर्वक देखना है, समझना है और बनाना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक्स को उधर ले जाते हैं, वाई को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या देख पा रहे हैं कि आपका पांच वाई इधर आएगा तो हो जाएगा छह वाई, और उस तरफ इसको ले जाइएगा तो हो जाएगा फोर एक्स। तो दैट मीन्स हमको एक्स और वाई का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा छह बटे चार बराबर हो जाएगा एक्स बटे वाई। हम कह सकते हैं तीन दुना छोरी दो तीया छ और दो दुना चार, तो हम क्या देखिए कि एक्स और वाई का रेशियो वही तीन अनुपात दो आया। क्या हो गया, तीन अनुपात दो आया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। देखिए जब भी आता क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टफ नहीं होता है अगर आप अच्छा से मेहनत कर लेते हैं। जिस प्रकार स्पोकन में मेहनत करना, उससे ज्यादा आपको ये सभी चीजों पर मेहनत करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, जो वैसे
जो विद्यार्थी तेज होंगे या जो समझते होंगे वो आसानी से देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और इसका मैं देखिए टेक्निक और भी तरह का टेक्निक बताऊंगा, ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि शायद किसी ने देखते ही आंसर बताने का टेक्निक नहीं बताया होगा, वो मैं बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ज्यादा मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि आप लोग कितने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम ले लेते हैं एक छोड़ के ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 ले रहे हैं। 47 में क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, तीन संख्याएं हैं और इस प्रकार 2:3:4 है, और साथ ही साथ में बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है। आपका कितना दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं x² + y² + z², ये तीनों के वर्ग का स्क्वायर दिया हुआ है आपका 1856 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 1856। तो 1856 जैसे ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2x हो गया, इसको जो भी कर सकते हैं। तो x की जगह क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे पूरा इक्वल टू k अगर मान लें तो पहली संख्या 2k हो जाएगा, तीसरी दूसरी संख्या आपका 3k हो जाएगा, और तीसरी संख्या आपका 4k हो जाएगा। देखिए कहीं भी जब तक वो वर्ग या घन में नहीं बोले तब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका वर्ग बोल दे तो आपको क्या करना होगा, ये स्क्वायर करना होगा, यानी कि 4 कर दिया, यहाँ पे के स्क्वायर छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका 4k² प्लस हो जाएगा 9k² और प्लस हो जाएगा 16k² और 1856 आपका पूरा दिया हुआ है। जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा, 4 9 13 16 कितना होता है, देखिए 16 9 25 4 29, 29k² बराबर हो जाएगा 1856। तो कह सकते हैं k² बराबर हो जाएगा 1856 और बटे 29। देखिए फास्ट कीजिएगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट बाय एकदम इजी में वे में ले रहा हूँ, जो कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देख पा रहे हैं ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा आपका 29, सबसे पहले कटेगा ये आपका कितना बार में कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 29 5 145 और 45 20 70 यानी 84, यानी 29 छक्का हो जाएगा, और 29 छक्का जितना भी होता है यानी 30 180 होता है, और 6 घटा दीजिए 174 हो गया, यहाँ पे आपका बच गया 11 116, 29 चौका 116 होता है। इसका मतलब k बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। जैसे ही k का वैल्यू प्राप्त हो गया, अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि उन क्या बोल रहा है, वे संख्याएं कौन कौन सी है, तो सिंपल है 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 8 चौका आपका 32 हो जाएगा, यानी 16 24 32 आपका आंसर हो जाएगा। यहां से देख पा रहे हैं 2k मतलब 8 × 8 × 2 हो जाएगा 16, 8 × 3 हो जाएगा 24 और 8 × 4 हो जाएगा 32। तो आपको कैसा लग रहा वीडियो, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ पाता आपको मैथ में। तो ये संख्याओं को, संख्या का क्या मतलब होता है, संख्या का मतलब होता है संख्याओं से खेलना, जिस प्रकार फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं उसी प्रकार इन द सेम वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ के साथ खेल सकते हैं। मैथ के साथ जब खेलिएगा ना मजा आ जाएगा, ऐसा मजा आएगा मत बोलिए कितना मजा आएगा दोस्त। तो आप लोग एकदम मस्त होकर के जब भी बैठिए, मन लगा के बनाइए, मैथ सुपर हिट हो जाएगा, और जो नहीं बनता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं मैथ बनाऊंगा जबरदस्त जबरदस्त तरीके से। अब 47 भी बता दिए तो 48 आप लोग बनाइएगा, फिर 49 लेते हैं। अब ये आप मत बोलिएगा कि आप क्यों इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन टफ लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 संख्याएं 2:3 में, और उसके अलावा बोल रहा है क्षेत्रफल दिया हुआ है, सॉरी उनका योगफल दिया हुआ है, सॉरी उनका योगफल कितना दिया हुआ है, हम भी सोच रहे थे योगफल की जगह क्षेत्रफल कैसे मिल गया, तो उनका योगफल दिया हुआ 125, उनका योगफल 125। तो इस तरह का क्वेश्चन, अरे फुल टॉस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फुल टॉस क्वेश्चन, इससे ज्यादा फुल टॉस नहीं होता है। तो जैसे ही देख रहे हैं संख्या का योगफल, तो 2 और 3 5 कितना हो गया, 5 ही दिया हुआ 125, तो इसका मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 25। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो बोलता है क्या बोल रहा है, तो बोलता है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं क्या ज्ञात करेंगे, 25 × 50 हो गया, 25 × 3 = 75 हो गया, संख्याएं 25 50 और 75 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही सिंपल। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, आप थोड़ा सा टफ ले लेते हैं,
अब हम थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, तो टफ ऐसे होता है कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है तीन संख्याओं के क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कि तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, एक है दो, एक है तीन और एक पांच है। ये आपका दिया हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब इसी में बोल रहा है प्रत्येक संख्या कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की वृद्धि 20 वृद्धि कर, 20 छात्रों की वृद्धि प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा दिया गया, तो अनुपात क्या हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है, प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया गया मेरे प्यारे दोस्त। तो इन वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे सब में अंतर हो रहा है, दो दो का अंतर हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे दोस्त, दो ही वृद्धि हो रहा है, दो ही वृद्धि का मतलब हो गया कि कितना 20 का, तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 10। तो पूछ रहा है तीनों का योग कितना है, मतलब तीनों कक्षा में यही पूछ रहा है कि इस वृद्धि से पहले कुछ छात्रों की संख्या, तो 2:3:5:5:10 और 10, 10 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 10×10 यानी 100 छात्र था पूर्व में। तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं एकदम इजी वे में, आप अभी देख पा रहे थे एकदम इजी वे में बना सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार। और क्या आपको टफ लगता है जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोग को सॉल्यूशन एकदम अच्छे वे में कर सकूं। तो घबराइएगा नहीं प्यारे दोस्त, आपको कुछ भी टफ में लगने नहीं दूंगा। अब है सम्मिलित अनुपात पर प्रश्न, तो देखिए बाकी सभी आप प्रयास कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कहीं दम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा मैथ में बताता हूँ कि कोई भी चीज, या किसी भी स्पोकन में ही बोलता हूँ कि कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको तरीके से आना होगा, हड़बड़ाना वो अच्छे अच्छे चीज का निशानी, हड़बड़ाना अच्छे चीज का निशानी नहीं है। आपको क्या करना, पैशंस रख के सोचना है, ये बुद्धि आपका जो है ये आपको लगाना है, सवाल में लगाना, सोचना है, थिंक करना है। जब तक आप थिंक नहीं करते हैं, गुस्सा में कोई आवेश में आ जाते हैं या आपको हड़बड़ी हो जाता है, तो आपका गड़बड़ी होना है किसी भी चीज में। अगर आप किसी से लड़ाई कर देते हैं तो तब आवेश में आकर के कुछ नहीं कर देना है ऐसे वैसे। तो सेम चीज है मैथ, मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैथ से जितना ज्यादा खेलिएगा उतना आपका नंबर से खेलना होगा। तो चलिए हम बात कर देते हैं सम्मिलित खंड अनुपात ज्ञात करना। देखिए सम्मिलित खंड अनुपात ज्ञात करना का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 58 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए अनुपात बी इक्वल टू दिया हुआ 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:5, तो बोलता है सी अनुपात ए कितना होगा। तो सी अनुपात ए ज्ञात करने के लिए देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका बताता हूँ, और हमेशा याद करिएगा, देखिए तरीका आप चाहे 10 जानते हो चाहे तरीका एक जानते हो, आंसर तो वही आएगा। क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम उस तरीके को समझ जाते हैं, कि अगर हम एक अच्छे वे में अगर हम तरीके को सीख जाते हैं और स्पीड करते हैं, तो ऐसा कोई सवाल चाहे हम लेंथी भी बनाएंगे चाहे छोटी में बनाएंगे, लेकिन सवाल मेरा आसानी से बन जाएगा, और स्पीड में बनाना है ताकि मेरा सवाल तेजी से बन जाए और आपका टाइम बचा भी ले। तो चलिए इसका सवाल, इस तरह का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल रेशियो में कीजिएगा, यानी आपको बनाना है ए अनुपात बी अनुपात। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आप निकाल लेते हैं, तो आप जरूर है कि चाहे सी अनुपात ए पूछे, चाहे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, चाहे कुछ भी पूछ दे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3:4 और उसी के जस्ट देखिए कॉमन है बी, इसलिए बी को हम बीच में रखते, देखिए यहाँ ए अनुपात बी और बी से ही स्टार्ट यहाँ पे होगा, तो पहले देखिए कॉमन जो चीज है उसको बीच में रखिएगा, तो कॉमन चीज बी है, इसका मतलब बी से स्टार्ट होगा, तो 6:5। अब इसका क्रॉस देखिए, इससे गुना होता है, इसका इससे गुना होता है और इसका इससे गुना होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतने अच्छे में मैं समझा दूंगा ना कि आपको देखते ही आंसर बता सकते हैं, इस तरह में बता दूंगा। बस आपको क्या करना, मैं सिर्फ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं उसी को चेक कर रहा हूँ कि आप कितने लोग इस वीडियो का फायदा उठा पा रहे हैं, और मेरा वीडियो देखने के बाद मैं फिर बोलता हूँ कि आप सिर्फ बताइए कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपसे नहीं मतलब कर पाते हैं उतने अच्छे वे में। मैं लाऊंगा, और एनटीपीसी क्या, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, अभी मैं बताना नहीं चाहता हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करके आप चलते रहिए, फॉलो करते रहिए, और कौन सा ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आता, मैं अपने वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए 3×6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
4 6 24 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। अब जो कटेगा पहले कटा लीजिए, तीनों कटेगा, तीन से कट नहीं, चार से भी नहीं, दो से कट जाएगा, 2 9 18, 2 12 24 और 2 9 20 और 9 12 10, ये क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमको सी अनुपात ए पूछ रहा है, तो सी का मान कितना है देख पा रहे होंगे 10, और ए का मान देख पा रहे होंगे 9, तो आपका 10:9 ही आपका क्या हो गया आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो गया 10:9 ही आपका आंसर हो गया। तो समझ गया होंगे यही क्वेश्चन पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको देख रहा है ये आंसर दिख रहा है। और अगर आप इस मेथड से आपको मजा नहीं आया, मेथड बहुत है, मेथड बहुत सारा है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल हम एक एक मेथड को लेके चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए सैम अभी पूछ रहा है 59 नंबर, अब थोड़ा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा ले लेते हैं। ए अनुपात बी दिया हुआ है आपका 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है आपका 6:11, तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे, इस तरह रेशियो रही है तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दीजिए, और 2:3 दिया हुआ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है 6:11। तो आप एक और भी चीज कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा मैं, तो सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसका इससे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12 3 6 18 और 11 3 33, 3 से कट जाएगा, 3 4 12 3 6 18 3 11 33 4 6 11 आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तो आपका क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो 4 6 11 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप अच्छे वे में किसी न किसी विधि से जो बता रहे हैं आप समझ पाते होंगे, ये सबसे सिंपल मेथड है, आपके बुक में भी दिया रहता है। लेकिन क्या करना है, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, अगर और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, लेकिन देखिए बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मैं बोल रहा हूं, बहुत सारा मेथड है। अगर हम बी जो कॉमन है उसको हम अगर बराबर दोनों में कर दें तो वहां से भी आंसर आता है। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 बनाना एकदम आसान है, इसको क्या कीजिएगा 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और बाकी बात ये आपका था ही 11, तो देखिए यहाँ पे एक बार में आंसर हो जाता 4 6 11। तो क्वेश्चन को देखना है, समझना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही तरीका अपनाना है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन टफ नहीं होता है कोई भी, क्वेश्चन टफ आप बना देते हैं, क्वेश्चन का मर्म नहीं समझते हैं आप और बनाना शुरू करते हैं। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अब दूसरे तरह से। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर में दिया हुआ है a बराबर 2/3b और दिया हुआ है b = 3/4c। और सबसे पहले देखिए इस तरह का दे, किसी तरह का दे, सबसे पहले हम अब काम क्या बताए आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना। तो सबसे पहले ए अनुपात बी पहले निकाल लेते हैं, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा देख पा रहे होंगे 2:3, और बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 3:4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ भी बी का देखिए कॉमन है दोनों में, और बी दोनों ही 3 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4। या अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो एक सिंपल का फंडा बताए कि आपको जिस तरह बताए ऊपर वाले क्वेश्चन का, उस वे में भी ले जाकर के आप बना सकते हैं, आपका वही आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी क्या होगा, तो देख पा रहे हैं ए है आपका 2 और सी है आपका 4, तो कह सकते हैं 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी में बजा करके आप बना सकते हैं, और अभी घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं 67 नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख पा रहे होंगे आपका दिया हुआ 2a = 3b = 4c, तो पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों का एलसीएम ले लेना है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 12। बस आपको अब a अनुपात b अनुपात c निकालना एकदम आसान हो गया, 2 से भाग देते हुए चलिएगा एलसीएम में, 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, ये आपका आंसर हो गया। और दूसरा मेथड है आपका ए अनुपात बी सी निकालने के लिए, एक और मेथड हाथ रखते चलिए, 3 4 12, बी निकालने के लिए बी में हाथ रख दीजिए 4 2 8, और एक सी निकालने के लिए हाथ रख दीजिए सी पर, तो जाएगा 2 3 6, कटाइएगा फिर हो जाएगा 2 4 कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, इससे भी आपका 6 4 3 आया। और भी मेथड लगा सकते हैं चाहे तो, बहुत सारे मेथड को लगा सकते हैं क्रॉस क्रॉस करके, बहुत सारा मेथड है,
उतना हम पापड़ नहीं बेलना चाहते हैं आपके लिए, बस यही पापड़ एक ही चीज बोलते हैं कि आप पापड़ बेलिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पापड़ बेलिएगा उतना ज्यादा पापड़ बनेगा। और पापड़ बनाना है मतलब अपने आपका रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए फिर मैं बोलता हूँ जुनून, जोश। जैसे मेरे पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी होना चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। सिर्फ मैं यही चीज बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, और अन्य लोगों को बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं होता है, मैं लाऊंगा जबरदस्त वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अनुपाती विभाजन पर आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है अनुपाती विभाजन पर, और ये क्वेश्चन कोई भारी थोड़े ना होता है, क्वेश्चन भारी थोड़े ना होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है कि 7,000 रुपया को बांट देना है, आपका 7,000 रुपया आपको दे दिया। देखिए बांटने उठने का भी बहुत अच्छा काम होता है, बांटना भी ठीक ही चीज है, बांट दीजिए तो अच्छे होता है। तो बांटने तभी आप बांट पाइएगा सही में जब आपको आता होगा, जब आप बांट ही नहीं सकते हैं तो आप कैसे हिसाब, तो हिसाब में क्या करना, बांटने सीखना है। तो बोल रहा है ए तथा बी का अंश का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, 2:1 कितना दिया हुआ है जी, दिख नहीं रहा सबको, तो 2:1 शायद, 2:3 दिया हुआ शायद, दिख नहीं रहा है देखते हैं। और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4:3। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ए और बी सी में निकाल लीजिए रेशियो, तो जैसे निकालिएगा तो कैसे निकालते हैं, 2:3 और 4:3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 8, 3 × 12, 3 × 9, 8 × 12 9 आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब 8 × 12 9 का मतलब हो गया 21 × 8 = 27, तो 27 तो हमको लगने रहा कि कट रहा है, कट नहीं रहा है क्या, कट नहीं रहा है, 12 × 8 = 20 9, 12 × 8 = 20 9, 29 × 70 7,000 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लगता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। 2:1 शायद हो सकता है यहाँ पे, हो 2:1, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा 2:1 ले रहे हैं, और इधर 2:1 आपका 3 कितना है जी, 2:1 पाला वाला है, 2:1, और ये है आपका 2:1, और ये आपका है 4:3, तो देखते हैं क्या होता है, 2:1 और 4:3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 = 15, 15 से भी 7,000 नहीं कट रहा है, लगता है क्वेश्चन को देखने में लगता है गड़बड़ हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा साफ साफ, स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि 94 को बांटना है, किसको बांटना है मेरे प्यारे दोस्त, 94 को बांटना है, बोल रहा है पहली से पांचवें भाग दूसरे के, क्या क्या दिख रहा है नहीं, तो दूसरे के किसी में कुछ दिख नहीं रहा, कैसे हम कुछ करें समझ में नहीं आ रहा है, पहली के में पांचवें भाग और दूसरे क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं अगले दिन इसी का अगर हुआ तो मैं लाऊंगा, अगर याद रहा तो लाऊंगा, लेकिन दिख नहीं रहा क्वेश्चन, एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा दिख रहा है, बोल रहा है थेले और जूते का दाम 7:5 है, ठीक है, थेले का दाम, ये थेला है और ये जूता है, ये दाम दिया हुआ है 7:5, और थेले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, देखिए यहाँ पे वहां पे बोल रहा है 200 रुपया अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2 अधिक है ना, तो 2 बराबर ही दिया हुआ 200, तो 1 बराबर कितना 100। अब क्या बोला है कि बोल रहा है कि जूते का दाम कौन वाला है, तो जूते का दाम 5 है, तो 500 हो जाएगा, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ किसी भी वे में बनाए ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाएंगे ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम पेशेंस रखना है, क्वेश्चन स्पष्ट दिख नहीं रहा था इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन और भी ले लेते हैं और तब समझ में आपको आ जाएगा, और भी तरीके का क्वेश्चन है, बोल रहा है 2674 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है 2600 को बांटना है और ए और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, 1/2, 1/3, 1/4। देखिए सबसे पहले मैं यही चीज बताऊं कि सबसे पहले सिंपल रेशियो में लाइएगा, और सिंपल रेशियो निकालने का वही है, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा आपका, एलसीएम 12, तो 2 × 12, 3 × 12, सॉरी 2 × 12, 3 × 12 और 4 × 12,
बस ए और बी और सी का रेशियो आ गया, आप जो बोल रहा है वो आप चलिएगा पढ़ते का हिस्सा। तो पहले 6 4 10 10 3 13, वही 13 बराबर कितना दिया हुआ है 2600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 200। तो अलग अलग हिसाब नहीं निकलेगा, 6 दुना 1200 फिर हो जाएगा 800 फिर हो जाएगा आपका 600, यही आपका 1200 800 600 आपका क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि अनुपाती विभाजन पर भी आधारित प्रश्न आपको समझ में आया होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगता होगा। अनुपात समानुपात में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको टफ लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लाऊंगा जबरदस्त वीडियो, आपको देखते रहना है और बहुत सारी चीजों को लाऊंगा। मैं बायोलॉजी का भी ला रहा हूँ और मैं फिर बोलता हूँ मेरे वीडियो के अंदर में आपको टीचिंग का वीडियो, टीचिंग एग्जाम का वीडियो, आपको बीएड सीटेट ये सब जितना भी एग्जाम होता है सबके तरह का वीडियो लाऊंगा, आपको एनटीपीसी का वीडियो लाऊंगा, आपको एसएससी के लिए ग्रुप बी के लिए स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसी निकला उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। बस फॉलो करते रहना विक्रम ट्यूटोरियल, साथ ही साथ संडे को मोटिवेशन सारी जरूर देखिएगा क्योंकि मैं लाता हूँ जबरदस्त मोटिवेशन सारी फॉर यू, बिकॉज आप स्टूडेंट जो है उसके लिए मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ और अपने देश में अपने गाँव में अपने शहर में जो भी नाम कमाना चाहते हैं जरूर कमाएं। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।